तो कैसे हैं आप लोग? आज बात करने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में, जिसमें कि 30 दिनों तक हम रेगुलर ट्रेड करेंगे और 30 ही दिनों के वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें कि क्या मार्केट की सिचुएशंस हैं, कैसी सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, और 30,000 रुपये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये हमारा फंड रहेगा और उस फंड को कितना हम ग्रो कर पाते हैं, हमारे सामने क्या क्या समस्याएं मुश्किलें आती हैं, कैसे हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो बंदे नए हैं ट्रेडिंग के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो भी एक रियलिटी होती है ना, वो अगर लॉस होता है तो लॉस और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, कोई भी आपसे छुपाने वाली चीज़ नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको देखना होगा कि एक्चुअल में कैसे ट्रेड होती हैं, किस प्रकार से एक ट्रेडर का होता है दिमाग, क्या व्यू होता है और मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। आपको पता होगा कितने ज़्यादा मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, सब तरह की ट्रेडिंग होती है, इंडाइसेस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, है ना। तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं और बहुत सारी एनालिसिस फेल होती हैं, बहुत सारी एनालिसिस अलग लेवल पर होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो ट्रेडिंग के अंदर कोई एक चीज़ नहीं है कि आप, इसमें पूरी एक प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है ट्रेडिंग के अंदर हर दिन। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कैसे कोई भी बंदा अगर नया है तो किस प्रकार से वो बंदा ट्रेडिंग सीख सकता है और ट्रेडिंग को और भी धीरे 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 परफेक्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जो गाइज मैंने सीखी है, मेरी गलतियाँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि आप जब तक मिस्टेक्स को इम्प्रूवमेंट नहीं करते हो ना, तब तक ट्रेडिंग में हमें क्या है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। मेन चीज़ें जब इंसान के इमोशंस पे मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्या लॉसेस होते हैं तब मार्केट में ओवर ट्रेडिंग का सिनेरियो बन जाता है कि भाई आज तो मार्केट से फाइट करके भी मैं अपने पैसे निकालूंगा। दूसरी चीज, जब बंदा प्रॉफिट करता है ना तो भी उसके दिमाग में इमोशंस आ जाते हैं कि भाई अपू ने भगवान है। ठीक है, तो एक ट्रेडर बनना वो वाला लेवल है जिसमें कि आपको शाम दाम दंड भेद सब चीजें सीखनी होगी। ठीक है, कई जगह आपका शिकार भी किया जाएगा, कई जगह आप दूसरों का शिकार करोगे, बच्चों के, फिर आप वो तरीका जान जाओगे जिससे बचना कैसे है और किस प्रकार से आप वहाँ पे पैसा बना सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस 30 डे चैलेंज को हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो आइए गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, हर दिन देखिएगा, क्योंकि गाइस जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप खुद सोच सकते हो कि उसकी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे मतलब नहीं है, बट एक रियलिटी जो आप देखोगे कि हाँ यार मार्केट के अंदर ये सिचुएशन होती है ना, वो आप बिना पैसा लगाए सिर्फ एक्सपीरियंस ले लोगे ना, उतने में आपका देखिए कि आधा टाइम बच जाएगा और आधा पैसा। ठीक है, क्योंकि रियलिटी हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है, और मैं जो मेरे से गलती होगी, मेरे इमोशंस, जो मेरे से अच्छी चीज़ें होगी, हर चीज़ आपके सामने होगी कि भाई आज ये प्रॉफिट है, ये स्ट्रेटेजी थी, इतना ये हुआ, लॉस है तो इस कारण मेरे को लॉस हुआ। तो वो उससे क्या है कि एक तरह का आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअल में मार्केट में गलतियां भी सब कर रहे हैं, प्रॉफिट भी सब बना रहे हैं, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी छोटा ट्रेडर हो, और लॉस जो कि अगर आप देखोगे तो 10 में से 9 बंदे लॉस के अंदर हैं। ठीक है, तो 10 में से 9 बंदे लॉस कर रहे हैं अगर मार्केट के अंदर, तो यानी कि एक बंदा प्रॉफिट बना रहा है, 100 में से 10 बंदे प्रॉफिट बना रहे हैं। तो 90% लोग लूज क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही तरीके से ऐसा समझिए कि ये एक ट्रेडिंग की वेब सीरीज आ रही है आपके सामने, जिसमें कि आपको हर दिन एक एक पार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर देते हैं, कोई भी बंदा अगर मार्केट में नया हो या फिर उसको ट्रेडिंग करनी हो, तो उनके लिए दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, एक तो एक्सपीरियंस, ठीक है, दूसरा है नॉलेज। अब बहुत सारे नए बंदे आते हैं तो वो बोलते हैं भाई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, घुस गए हो ट्रेडिंग के अंदर, तो कार चलाना अगर आपको नहीं आता है और डायरेक्ट आप किसी सिटी में घुस जाओगे तो वहाँ पे कुछ तो होगा। ठीक है, यही चीज़ है, एक बार आपको नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जब आप नॉलेज लोगे, जब आप ट्रेड करोगे, तो उस ट्रेड से आप कुछ गलतियां करोगे, उन गलतियों को आपको देखना है, लिखना है अपने एक कॉपी में आपको कि ये गलतियां मेरे से हुई है, इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इस प्रकार से माइंड डेवलप करना है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बनाना है कि आप वहां पे ट्रेडिंग में पैसा बना सको। ठीक
ठीक है, यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे लाखों लोग हैं जो आपसे पैसा लेकर पैसा बना रहे हैं, या फिर आप उनसे पैसा लेकर पैसा बना रहे हो, क्योंकि इन द एंड मार्केट में एक दूसरे से पैसा आ रहा जा रहा है, कोई और आपको देने वाला है नहीं है। आप में ज्यादा टैलेंट है, आप में ज्यादा पेशेंस है, आप में ज्यादा डिसिप्लिन है, आप पैसा बना लोगे। अगर अगले बंदे में ज्यादा है तो वो बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में यहाँ पे थोड़ा भी मिस करते हैं, तो आपको बताएं कि पैसा हाथ से चला जाता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल। अब कोई भी बंदा अगर नया है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको नए हो तब तो एक्चुअल कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप नॉलेज और एक्सपीरियंस लोगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तब तक आपको पेपर ट्रेड करके सीखना होगा कि हाँ यार एक बार कैसे खरीदा बेचा जाए, किस प्रकार से कुछ सेटअप देखे जाए, क्या बनता है, कुछ गंवाते हो तो भी आपको लॉस ना हो। इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है पेपर ट्रेडिंग का, वो जाके चेकआउट कर लीजिए। कैपिटल अपने पास है गाइस 30,000 रुपये, ठीक है। तो अपने पास कैपिटल है 30,000, उसी चीज़ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर ज़रूरत होती है एक अच्छे ब्रोकर की, जिसमें कि हमें वो सारी सर्विसेज मिल जाए, वो सारी सुविधाएं मिल जाए जो कि हमें ट्रेडिंग के लिए चाहिए होती है। जैसे कि एक अच्छा ऑप्शन चेन रीड करने के लिए डेटा मिल जाए, है ना, अच्छे चार्ट्स वगैरह मिल जाए, जहाँ पे टूल्स वगैरह अच्छे हो, जिससे कि हम बहुत जल्दी हमारी जो एनालिसिस है उसको सही तरीके से कर सकें। और क्या चाहिए बताओ। हाँ तो ये दो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ गाइज ब्रोकर को एक रेप्यूटेड होना भी जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा ब्रोकर होगा तो हमें उस पर जो विश्वास रहता है, डिस्काउंट ब्रोकर होना चाहिए, जहाँ पे हमारे जो ट्रेडिंग चार्जेस हुए वो कम लगे, ठीक है। तो जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ वो है गाइस धन ऐप, जिसमें कि हम ट्रेडिंग करेंगे अगले 30 दिनों तक, ठीक है। और धन ऐप के अंदर ट्रेडिंग व्यू के पेड फीचर्स भी फ्री हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है नहीं है, और डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं। अगर महिलाओं के नाम पे कोई अकाउंट ओपन करता है तो 50% और ब्रोकरेज कम लग जाता है, यानी 10 रुपये पर लॉट, है ना। और कोई आदमी अगर ओपन करता है तो 20 रुपये पर लॉट। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक है, और वहां से आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। फिर आ जाती है गाइस सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के अंदर जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। आप घर से बाहर भी कहीं जाते हो तो कुछ कारण होगा, है ना। कुछ भी काम अगर इंसान कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, और जब कोई बंदा ट्रेड ले रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है ना, कि भाई आज के दिन तो इतना प्रॉफिट हो जाए, मार्केट ये कर दे वो हो जाए, मतलब उस कारण के पीछे उनकी एक्सपेक्टेशन और होप्स आशाएं बढ़ी हुई होती है। एक्चुअल में आपको वहां पे जाना होगा उस लेवल तक कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। अगर मैं मार्केट में 10,000 रुपये लाया ना, तो मेरे को उसको 20,000 रुपये नहीं करने, मेरे को 10,000 रुपये से 100 रुपये भी कमा लूँ वो बहुत है। इस लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हो ना, सोचिए गाइस आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी सुधर जाएगी। लाखों करोड़ों का प्रॉफिट देख देख के जो भी बंदा मार्केट के अंदर आता है ना, उनकी देखिए हर बंदे को पैसे की नीड है, ठीक है। सबके पैसे से लेकर लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है कि यार थोड़े पैसे हो तो मेरे ये सपने पूरे हो जाए, पैसे हो तो घर ले लें। मतलब एक होता है इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें होती है जो कभी आशाएं खत्म नहीं होती, और हमें हर बार कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है। आज मेरे पास बाइक है तो मैं कार चाहिए, कार होगी तो मेरे को और उससे बढ़िया वाली कार चाहिए, तो आगे इंसान तो उसी लिए उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और अगर आप कहीं देख लेते हो कि यार यहाँ पे 5 मिनट में पैसा लगा कर इतना पैसा बनाया जा सकता है, एक्सपायरी के दिन 0-0 में 5,000 लगा के 25,000 बन जाते हैं, तो भाई साहब वहाँ पे वही आ जाती है कि मैं 5 लाख लगा के 25 लाख बना दूँ। लेकिन उस चीज को बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है। वही चीज है, जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी उतना हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, मार्केट देता है वो हमें स्वीकार है, यही चीज चाहिए। अब गाइस इसके लिए हमें चाहिए होता है एक सेटअप, है ना। सेटअप का मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजी या ऐसा प्लान जिसके ऊपर हम ये पता कर सके कि मार्केट में ये संभावनाएं हैं, और अगर इस संभावना की तरफ जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो फिर काम आएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें उसके अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि भाई अगर मार्केट में गलत निकल जाते हैं तो मेरा लॉस भी होगा। मान लो कोई पैटर्न है और वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है तो हम इस जगह एंट्री लेंगे, ये हमारी संभावनाएं हैं, ये हमारा एक तरह का सेटअप है कि भाई इस प्रकार से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है।
अगर मार्केट यहाँ पे गलत निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो एक लॉसेस को ऐसा समझिए कि कार का एक्सीलेटर है, ठीक है। जितना बड़ा लॉस लोगे उतनी स्पीड मान लो कार के किसी एक्सीलेटर की ज़्यादा है ना, और जितना छोटा लॉस लोगे उतनी स्पीड कम। अब आप खुद सोचिए कि अगर जिस बंदे के पास 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, और वो बंदा अगर वहाँ पे लॉस ले लेता है 30,000 का, ए सॉरी 3,000 का, ठीक है, 3,000 का लॉस ले लेता है, इसका मतलब 30%। तो आप देखिए, आप कार भी चला रहे हो तो आपकी स्पीड कब नॉर्मल होगी और कब आप सेफ रहोगे, ये चीज़ है, ठीक है। रास्ता ख़राब है और हम 130 की स्पीड पे चल रहे हैं, 40 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है और उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अपने लिए सेफ जोन कहाँ है। अगर आपने 200 रुपये का भी लॉस आपने काट दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसी लॉस को 2,000 में जाके काटा ना, तो वो आपके लिए दिक्कत बन सकती है, ठीक है। छोटे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं, बड़े लॉसेस के लिए हमें और भी ट्रेड लेनी पड़ती है और उन ट्रेड में हमारा जो इमोशन और साइकोलॉजी होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी गाइस, और जो हम सेटअप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ट्रेप ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। यानी कि जो ट्रेप ट्रेडिंग मार्केट में होती है कि कोई भी ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे, वो ब्रेकआउट फेल हुआ तो वो भी एक ट्रेप ट्रेडिंग है। ट्रेप ट्रेडिंग के बहुत सारे अलग अलग सीनेरियो होते हैं कि भाई किस प्रकार से जो रिटेलर हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं, रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, बस उसी के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है गाइस, सेटअप बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया कि भाई आप हमारे पास 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 रुपये से हमें रिस्क कितनी लेनी है। हम पर डे रिस्क लेंगे वो है 1,000 रुपये, ठीक है, या फिर 1,500 रुपये, ठीक है। तो मिनिमम हम देखिए 1,000 से नीचे रहें तो और भी अच्छा है, लेकिन 1,500 से ऊपर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब वो किसी कारणवश अगर ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, कि हमने एग्जिट किया थोड़ा बहुत मार्केट ऑर्डर पे, तो वो ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो एवरेज हमारा लॉस का सिनेरियो ये है यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा हम पर डे लॉस लेंगे नहीं। तो हर दिन का लॉस डिसाइड होना चाहिए, ट्रेड कितनी करने वाले हैं जिससे कि हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकें। जो भी बंदा नया होता है उसी को ओवर ट्रेडिंग खा जाती है, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमें हर दिन 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे, मिनिमम 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड ले सकते हैं, बट 3 ट्रेड हमारी लास्ट रहने वाली, उसके दिन जितना लॉस भी हो जाए अगर, तो उस दिन हमें रिकवर नहीं करना है। अगर हमारी ट्रेड कंप्लीट है तो छोड़ दो, ठीक है। रूल्स डिसिप्लिन, पोजिशन साइजिंग लिमिटेड रखनी है, और रूल्स के अंदर आपको सबसे पहले है कि मार्केट में वेट करना है। अगर आपको सेटअप, जिस भी सेटअप पे हम ट्रेड करने वाले हैं वो सेटअप मिलता है तो हमें ट्रेड करनी है, नहीं मिलता है तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं 30,000 के अंदर, तो हमें अगर ऑप्शन सेलिंग का कोई सेटअप मिलता है तो हम ऑप्शन सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे और क्या रूल्स हैं, तो रूल्स ये हैं कि मार्केट में जो एनालिसिस होती है उसमें हमें पहले प्रो इफेक्ट पता होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट सिनेरियो जिसमें कि कैसे एक ट्रेडर को वहाँ पे लेना चाहिए। और अब मैं आपको मेरा अकाउंट बता देता हूँ और वो पैसे बता देता हूँ, और ट्रेड का वीडियो है, मैं अगला वीडियो फर्स्ट डे हमारा ट्रेड का ही डालने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि है ना मिस ना करो ऐसी अपॉर्चुनिटी को। चलिए, तो गाइस यहाँ पे हमने धन ऐप ओपन कर रखा है, ये मेरे अकाउंट में पैसे हैं अवेलेबल फॉर यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिख रखा है, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज होंगे 30,000 रुपये, ठीक है। अब गाइस आज मैं आपको तारीख बता देता हूँ, आज तारीख है 8 अगस्त 2023 को ये वीडियो शूट हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:13, और इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट हमारा था कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैं उन्होंने आपको बता दिए। आज के दिन जो मैं ट्रेडिंग करूँगा उसका मैं डे 1 से ये वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जैसे कि आज का डे 1 रहने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने सब इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई किस प्रकार से हम, क्या प्लान है हमारा, क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन ऐप में डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने दोस्तों को कर सको उतना तो कर ही दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।